दोस्तों, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो पार्ट टाइम जॉब को, तो ऐसे में मैं आप लोग को अलर्ट करने आया हूँ कि आप लोग जो है अमेजोन 566.com में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। इस नाम से ये मत सोचना कि ये अमेजोन की जो है वाकई में ओरिजिनल वेबसाइट है। इस तरीके की ये वेबसाइट का इंटरफेस है, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, AMZN566.com। इसको देख करके ये मत सोचना कि ये अमेजोन की तरफ से ही है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अमेजोन में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या कर रहे हो तो इस वीडियो को प्रॉपर देख लो, आप समझ जाओगे कि क्या सीन होने वाला है या फिर क्या सीन हो रहा है या क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस तरीके का मैसेज मिला है कि इसमें लिखा हुआ है कि भैया पर डे का 5-10 हज़ार रुपये कमा सकते हो पर डे का, और आपको इस तरीके के मैसेज में जो है एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक जो है आपको AMZN566.com या फिर इससे रिलेटेड कोई भी लिंक है जिसमें बेसिकली आपको ये कहा गया है कि भाई हम जो है अमेज़न के लिए काम करते हैं, आपका काम बस इतना ही रहेगा, आपको जो हायरिंग किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप जो है किसी और यूज़र के लिए उसके बिहाफ पर जो है ऑर्डर प्लेस करोगे, आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट होगा, और उसको जब भी वो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो वहाँ से पे आउट कर देगा, देन आपको जो है कमीशन के साथ पैसे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो भाई अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो है वहाँ से जो है टोटल अमाउंट जो मिलने वाला है वो लगभग 150 से भी ज़्यादा का होने वाला है, यानी कि 60 रुपये के आसपास जो है आपको एक्स्ट्रा मिल गया, प्लस में आपका वाला 100 रुपया, तो वो 160 के आसपास आपको जो है मिल जाएगा। मतलब 50-60% की यहाँ बात करते हैं, 30% वाला पहले बोलते थे लेकिन अब भाई 50-60% ये लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके का सीन बताया जाता है, आपको आपसे पैसे इन्वेस्टमेंट करवा लिया जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्या आपको वाकई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये सोच करके कि अमेज़न की तरफ से आप ये काम कर रहे हो। अमेज़न ने कहीं पर भी जो है आपको ऐसा लिख करके नहीं दिया है कि भाई हम जो है आपको हायरिंग कर रहे हैं और हमारे लिए ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अमेज़न की वेबसाइट्स पर चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, आपको जो है ये AMZN566.com के बारे में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप जो है खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने सारे पैसे जो है आप उसमें बर्बाद करने वाले हो। आपको जो है एट दी एंड बिल्कुल भी विड्रॉल नहीं मिलने वाला है, आपके अमाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपको जो है इतने बड़े बड़े टास्क दिए जाएंगे जिसको आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप एक आध बार कर भी लोगे ना तो उसको आप विड्रॉल ही नहीं कर पाओगे। ऐसे में दो सिचुएशन बनेगा, वो लोग अपनी बात पर रहेंगे कि भाई आप फ्रीज अमाउंट को जो है अनफ्रीज करो और उसके लिए आपको लास्ट टास्क कंप्लीट करना होगा, और आप रहोगे कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अब मैं इसको करूँ तो करूँ कैसे, तो वो लोग आपको विड्रॉल देगा नहीं। और अगर आप ये टास्क को कंप्लीट कर भी देते हो तो अगेन आपको नेक्स्ट टास्क मिल जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि ये सिस्टम जनरेटेड टास्क हैं और आपको ये कंप्लीट करना ही होगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मात्र 2,000 रुपये दीजिए और मैं आपका टास्क को जो है कैंसिल करवा देता हूँ, दूसरा टास्क डलवा देता हूँ। यहाँ पर जितने का टास्क दिखा रहा है, मान लो 20,000 का कोई टास्क दिखा रहा है तो मैं आपको जो है 8-10 हज़ार वाला टास्क दिलवा देता हूँ, बस आप 2,000 रुपये दो। ऐसे से लोग आपको व्हाट्सअप पर मैसेज किया करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे भाई, जो कि आपको फेक तरीके के सर्टिफिकेट सेंड करेंगे, उसमें आपका नाम वगैरह लिखा हुआ रहेगा, आपका बैंकिंग डिटेल्स रहेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है यार, आप खुद ही अपना बैंकिंग डिटेल्स शेयर किया रहोगे ना जब आपको स्टार्टिंग में विड्रॉल मिला होगा। जो आपने स्टार्टिंग में 100-200 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, उस टाइम आपको विड्रॉल दिया जाता है ताकि आपका बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म किया जा सके, ताकि आपका विश्वास जीता जा सके। तो ऐसे में वो नंबर तो उनके पास है ही, तो वो लोग जो हैं उसी नंबर को उस प्रिंट आउट वाले पेज में छाप करके ना भेजते हैं और कहते हैं कि देखो ये हमारा सर्टिफिकेट है और यहाँ पर आपको ये कंपनी जो एकदम दावा कर रही है कि ये आपको जो है पैसा आपका देगी अगर आप जो है लास्ट वाला टास्क को कंप्लीट कर देते हो। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के मैसेजेस से दूर रहो, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो आपके पास जो है दो ही ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन, आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन कर देना है इस वेबसाइट के खिलाफ कि मैंने जो अपने इन्वेस्टमेंट किया है अब मैं विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और आपके पास दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो है 24 आवर्स के लिए। उस ऑप्शन में आपको ये करना है कि लास्ट ट्रांजेक्शन जब आपने किया है उस समय से लेकर के 24 घंटा के अंदर जितना जल्दी हो सके आपको कंप्लेन करना होता है पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर को, या फिर अगर आपने नेट बैंकिंग से पैसा भेजा है तो आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना होता है और आपको उनको ये बोलना होता है कि हमने जो लास्ट ट्रांजेक्शन किया है वो गलत था, मैंने एक जो है फ्रॉड के अकाउंट में पैसा भेज दिया है और मेरे साथ स्कैम हो गया है, मुझे जो है इस पैसे को वापस पाना है, यानी कि लास्ट ट्रांजेक्शन अमाउंट को रिवर्स करवाना है, मे बी आपको आपके पैसे मिल जाएं अगर उसका अकाउंट एक्टिव हुआ, अगर उसके अकाउंट में पैसे हुए तो। तो बस यही दो ऑप्शन है भाई, जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ भी किसी तरीके का कोई भी स्कैम हुआ है ना, उसकी जानकारी को मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर से बात करिएगा मुझसे और मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपने साथ हुए स्कैम को, ताकि उस पर एक अवेयरनेस वीडियो बना करके हम और किसी की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।